बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मस्तान है, ग्रीक कैंसर केयर सेंटर पुणे। यहाँ पर हम लोग कैंसर के पेशेंट का इलाज करते हैं यूनानी मेडिसिन से और डाइटल थेरेपी से। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से कुछ पॉइंट डिस्कस करूँगा मिजाज के ताल्लुक से। मिजाज का कैंसर के इलाज में कितना बड़ा रोल है वो आपको बताऊँगा। एक पेशेंट है हमारे साथ, यंग पेशेंट है, एज 24-25 है इनकी। ये सामने नहीं आना चाह रहे, इसके लिए हमने इनको जो है वीडियो में नहीं शामिल किया है, लेकिन ये हमारे सवालों का जवाब देंगे इंशाल्लाह, और ताकि आपको इनका केस समझ में आए। दोस्तों, हर एक जो सीए का केस रहता है उसका एक अलग टेम्परामेंट होता है, यानी उसी टेम्परामेंट के तहत उस पेशेंट का इलाज हो सकता है। इसका मतलब ये है कि यूनानी कैंसर के इलाज में मिजाज का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, और यही जो है मिजाज का रोल, और ये मिजाज सीए के लिए एक बहुत बड़ा जो है रिवोल्यूशन ला सकता है, इंकलाब ला सकता है कैंसर के इलाज में। अब ये भाई जो है, आपका नाम क्या है भाई? आपका नाम मत बोलिए, आपकी एज कितनी है? 34 एज इनकी, सॉरी 24 नहीं है। और ये न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के पेशेंट है, लीवर में हुआ था इनको, और 2016-17 में इन्होंने कीमोथेरेपी वगैरह की है, काफ़ी रिकवरी हो गई थी। आज 2023 में दोबारा छोटे छोटे लीजन आए इनको, तो ये दोबारा हमारे पास इलाज के लिए आए। दे वो कुछ जो है इम्यूनोथेरेपी वगैरह फिलहाल वो नहीं करना चाह रहे किसी वजह से, उनकी इम्यूनिटी डाउन है, शायद कमज़ोर होने की वजह से। तो हमने इनका इलाज शुरू किए थे 15 दिन पहले। तो 15 दिन पहले जो हमने इलाज शुरू किए, तो इनकी नर्व्स और इनके सिम्टम्स वगैरह देख कर हमने ये डायग्नोज किया कि ये इस पेशेंट का मिजाज सफरावी है, बाइलियस टेम्परामेंट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। और सफरावी मिजाज के पेशेंट के सिम्टम्स बहुत इनसे तजर्बे से मैच खा रहे थे, और इनकी नब्ज वगैरह देखकर भी हम लोगों ने डायग्नोज किया कि सफरावी पेशेंट है। हमने इनको सफरा चिकन दिए, और अलहमदिल्ला 15 दिन में इनको काफ़ी आराम हो गया। आराम किस चीज़ में हुआ? इनका वीकनेस कम हुआ। आराम किस चीज़ में हुआ? इनको ड्राई कफ था वो ख़त्म हो गया। इनको जो है वॉमिटिंग सेंसेशन लगातार होता था, और वॉमिटिंग वगैरह होती थी, तमाम चीज़ें खत्म हो गई सिर्फ 15 ही दिन में। तो अगर इनकी सिम्टम्स और इनकी इम्यूनिटी अगर डेवलप हो रही है 15 दिन में, तो इसका मतलब ये है कि इनका मसला हल हो सकता है अगले कुछ महीनों में। वो हम देखेंगे आगे इनका ट्रीटमेंट किस तरीके से आगे बढ़ता है। फिलहाल ये आपसे बात करेंगे, आपको क्या तकलीफ थी इलाज शुरू करने से पहले? मुझे कंटिन्यू वॉमिटिंग हुआ करती थी, खांसी और वीकनेस थी, और कंटिन्यू एसिडिटी हुआ करती थी, लेकिन ये 15 दिन की दवा से काफ़ी असर हो गया। क्या फ़र्क हुआ 15 दिन की दवा से? वॉमिटिंग कम हो गई, खांसी कम हो गई, वीकनेस थोड़ा कम हो गया, एसिडिटी कम हो गई। वीकनेस भी काफ़ी हद तक कम हुआ है, कम तमाम सिम्टम्स। यानी हमें सफरावी सीए में क्या करना है? सुकून देना है, सुकून देना है। यहाँ पर जो है हम लोग एंटी 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 नहीं कर सकते, ठीक है, एंटी ट्यूमर या ये सब चीज़ें नहीं। यहाँ पर हमने सिर्फ क्या करना है, जो इरिटेशन है, सोजिश, जिस सोजिश की वजह से वो ट्यूमर ग्रोथ फॉर्म हुआ है, और हमने सुकून देना है। ये है सफरावी सीए का इलाज, और ये काफ़ी हद तक जो है, हालांकि इसमें और काम करने की ज़रूरत है। इक्का दुक्का केसेस में जो रिजल्ट आ रहे हैं उसको हम लोग जो है कोई रूल नहीं बना सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो राह मिल रही है, कुछ ना कुछ हमें जो है रास्ता मिल रहा है, उस रास्ते के तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे, और इस तरीके के और ज़्यादा केसेस आएंगे तो हम लोग इंशाल्लाह उनको अच्छे तरीके से आगे ट्रीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।